वरुण सूर्य का ध्यान। वसिष्ठो यारुणो रंभा सहजन्यस्तथाहुहु शुकश्चित्र स्वनश्चैर्व शुचिमासं नयन्त्यमी सूर्यस्यन्दनमारूढ अर्चिर्माली प्रतापवान कालभूत कामरूपो ह्यारुण सेव्यते मया। आषाढ़ मास में तपने वाले सूर्य का नाम अरुण यानी वरुण है। उनके साथ वशिष्ठ ऋषि, सहजन्य नाग, रंभा अप्सरा, हुहु गंधर्व, शुक राक्षस तथा चित्रस्वन नामक यक्ष रहते हैं। रथ पर आरूढ़ किरणजाल से समाविष्ट काल के स्वामी परम प्रतापी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान अरुण की मैं उपासना करता हूँ। अरुण आदित्य 5,000 किरणों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्याम है। द्रौपदादित्य की कथा। एक समय अत्याचारी दुर्योधन द्वारा छल पूर्वक पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया गया। वे महाबलशाली पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन वन भटकने के लिए बाध्य हो गए। अपने पतियों के इस दारुण क्लेश से द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। उसने भूख प्यास के महान कष्ट से मुक्ति के लिए काशी में भगवान सूर्य की मनोयोग पूर्वक आराधना की। द्रौपदी के आराधना से प्रसन्न होकर भगवान अंशुमाली प्रकट हुए और उससे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो इस विपत्ति काल में हमारे भोजन की समस्या का समाधान करें। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को कलछी और ढक्कन के साथ एक बटलोई दी और कहा, महाभागे जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक जितने भी भोजनार्थी तुम्हारे पास आएंगे सबके सब इस अक्षय पात्र में बने भोजन से तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भोजन कर लेने के बाद ये खाली हो जाएगा। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं एक वर तुम्हें और देता हूँ। जो मनुष्य काशी में विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में स्थित मुझ द्रौपदादित्य की आराधना तथा दर्शन करेंगे उनकी भूख पीड़ा नष्ट हो जाएगी। उन्हें संपूर्ण जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दुष्ट दुर्योधन को जब भगवान सूर्य द्वारा द्रौपदी को प्राप्त अक्षय पात्र की बात ज्ञात हुई तो उसने पांडवों को कष्ट देने का एक नया उपाय सोचा। एक दिन उसने अपने यहाँ पधारे दुर्वासा ऋषि की भक्तिपूर्वक नाना उपचारों से सेवा की। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जैसे आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है वैसे ही पांडवों को भी दे। लेकिन आप वहां भोजन करने के लिए तब जाए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा ने एवमस्तु कहकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। वे एक दिन पांडवों के पास गए और कहा कि अभी मैं स्नान करके आता हूँ। आज अपने 10,000 शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। पांडवों के साथ द्रौपदी चिंता में पड़ गई क्योंकि वो भोजन कर चुकी थी। इस संकट से मुक्ति के लिए उसने सूर्यरूप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने समय पर पहुंचकर पात्र में बचा हुआ शाक का एक पत्ता खाकर त्रैलोक्य को तृप्त कर दिया और
दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की।